आप सुन रहे हैं द कहानी बाज। कविवर नरेंद्र देव के यहां एक दिन शरत बाबू बैठे हुए चाय पी रहे थे। बात चल रही थी श्रीकांत के एक चरित्र नायक इंद्रनाथ के विषय में। शरत चंद्र ने कहा, इंद्रनाथ बनाम राजू कितना साहसी था यह समझना मेरे लिए कठिन है। स्वयं तुम भी उसे अच्छी तरह नहीं समझ पाओगे। जहां हम डर से पीपल के पत्ते की तरह कांप उठते थे, वहां वह कूद कर सबसे आगे आ जाता था। भय क्या होता है जैसे वह जानता ही नहीं था। मेरे बचपन की एक कहानी लगे हाथों सुनो। उन दिनों मैं स्कूल में पढ़ता था। राजू स्कूल छोड़ देने के बाद जनसेवा में लगा रहता था। कब किस पर कौन सी मुसीबत आई, उससे उसे मुक्त करना, किसी बीमार की सेवा टहल, कौन कहां मर गया, उसकी दाह क्रिया आदि कार्य वह दिन रात क्या करता था। मैं राजू का दाहिना हाथ था। आवश्यकता पड़ने पर राजू मुझे बुला लेता। दाह क्रिया वाला कार्य अकेले ना कर सकने के कारण उसे मेरी आवश्यकता अवश्य पड़ती थी। एक बार ढिठवन एकादशी के दिन हमारे मामा के यहां नाटक हो रहा था। कलकत्ता से पार्टी आई थी, गांव के सभी लोग आए हुए थे। मैं एक कोने में बैठा तन्मय होकर नाटक देख रहा था। ठीक इसी समय न जाने कहां से राजू आया और बोला, यहां आओ, सुनो। मैं बाहर चला आया। राजू ने कहा, उस टोले में तारपद का लड़का है ना, हेजेक बीमारी से अभी अभी मर गया है बेचारा। छोटा सा बच्चा था, सिर्फ 3 साल का। काफी कोशिश की पर बच नहीं सका। एक ही लड़का था, हेजे में चल बसा। अब तारापद और उसकी पत्नी दोनों लाश को लेकर आसमान सिर पर उठा रहे हैं। मेरी समझ में इस छूत की बीमारी की लाश उनके निकट रहने देना ठीक नहीं है। सोच रहा हूं इसी समय शमशान में ले चलूं। गांव के सभी लोग तो नाटक देख रहे हैं, कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। चल तू जरा मेरे साथ चल। बिना किसी प्रकार का प्रतिवाद किए मैं चुपचाप उसके साथ चल पड़ा। वहीं तक नाटक देखना भाग्य में लिखा था। तारापद और उसकी पत्नी को दिलासा देकर किसी सूरत से बच्चे की लाश हम लोगों ने छीन ली। उसके बाद हम गांव से शमशान की ओर चल पड़े। उस समय रात का 1 बज रहा था। रास्ते में मैंने कहा, एक लालटेन ले लेते तो अच्छा होता। राजू ने कहा, अच्छा तो होता मगर इस समय मिलेगी कहाँ, घर में कौन बैठा है। मेरे पास दिया सलाई है, जरूरत पड़ने पर इसी से काम लिया जाएगा। प्रत्युत्तर में मैंने कुछ नहीं कहा। मृत बच्चे को अपनी गोद में लिए राजू आगे आगे चल रहा था, उसके पीछे पीछे मैं था। गंगा के किनारे शमशान है, जितना विराट है उतनी ही विभिषकाएं भी। लोग यहां दिन में भी आने से डरते हैं। आसपास काफी दूर तक भी कोई गांव या झोपड़ी नहीं है। नाम के लिए 2-4 खजूर और कटहल के वृक्ष हैं, अन्यथा जितनी दूर तक निगाह घुमाए केवल बालुकामय भूमि दिखाई देती है। शमशान के मध्यस्थल में एक रफूस की झोपड़ी थी। शमशान यात्री इसी झोपड़ी में धूप और बरसात के समय आराम करते थे। एक और जहां यह झोपड़ी लोगों के लिए बनाई गई थी, वहीं दूसरी ओर शमशान स्थित झोपड़ी में भूतों का अड्डा है कहा जाता था। रात की बात छोड़िए, दिन में भी कोई उस झोपड़ी के भीतर अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता था। राजू इन सब अफवाहों पर ध्यान नहीं देता था। वह सीधे उस झोपड़ी में घुस गया। यद्यपि मैं भी उसके पीछे पीछे उस झोपड़ी में आया, लेकिन स्वाभाविक रूप में नहीं। मुझे अनुभव हो रहा था जैसे कोई मेरे हाथ पैर कसकर पकड़े हुए है। साथ में राजू था, इसलिए मेरी कुछ हिम्मत बंधी थी। जमीन पर लाश रखते हुए राजू ने कहा, काफी देर से मैंने बीड़ी नहीं पी है, चल पहले एक बीड़ी पी ली जाए, इसके बाद अपना काम करेंगे। क्यों, ठीक है ना?
राजू के प्रश्न का उत्तर मैं देने ही जा रहा था कि उस अंधकार में झोपड़ी के भीतर अस्पष्ट रूप से यह आवाज सुनाई थी, क्या एक बीड़ी मुझे भी दे सकते हैं? उस समय मेरी हालत कैसी हो गई इसकी कल्पना तुम कर सकते हो। सिर के बाल टेकुए की तरह खड़े हो गए, मारे डर के सारा बदन पसीने से तर हो गया। लेकिन राजू ने ठंडे स्वर में पूछा, तुम हो कौन? उत्तर आया, मैं हूं। मैं कौन? कहते हुए राजू ने दिया सलाई जलाई। उस रोशनी में हमने देखा हमारे पास ही एक मैले बिस्तर पर मनुष्य की तरह कोई आकृति लेटी हुई है। सिर से पैर तक सारा बदन कपड़ों से ढका हुआ है। राजू ने अच्छी तरह देखने के बाद कहा, अरे यह तो एक और मुर्दा पड़ा है, पता नहीं कौन ले आया है, शायद लकड़ी की तलाश में गए हैं। तभी फिर आवाज आई, नहीं बेटा, मैं मुर्दा नहीं हूं। इस बार अत्यधिक डर के कारण मैं राजू से लिपट गया। मेरी जवान तालू से सट गई, भय से दांती लग गई। लेकिन राजू, वाह रे राजू, धन्य है तू। उसने पुनः निर्भय भाव से पूछा, फिर तुम कौन हो? सलाई की पहली तीली बुझ गई थी, राजू ने दूसरी जलाई। इस बार गौर करने पर यह आवाज उन गंदे कपड़ों के भीतर से आई, मैं गंगा यात्री हूं बेटा। राजू ने मुझे हिम्मत बांधते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं है रे, यह मुर्दा नहीं, गंगा यात्री। वह लोग जो मरणासन हो जाते हैं, उनका अंतिम समय निकट जानकर लोग इन्हें जीवित अवस्था में ही शमशान ले जाते हैं, ताकि उन्हें सदगति प्राप्त हो, समझे? इसके बाद राजू ने एक बीड़ी जलाकर उसके मुंह में ठोस दी। बीड़ी का एक कश लेते हुए वृद्ध ने परम तृप्ति के साथ कहा, ओह जान बची, कई दिन हुए आया हूं, मांगने पर मुझे कोई बीड़ी भी नहीं पिलाता, सब के सब कमीने हैं। अब राजू ने वृद्ध से सवाल करने शुरू किए, कितने दिन हुए यहां आए हुए, तुम्हारे साथ कितने आदमी हैं, वे लोग कहां गए? बूढ़े ने कहा, मुझे 3 दिन हुए, मौत नहीं आ रही है, मेरे 2 नाती और एक पड़ोसी मुझे यहां ले आए हैं, वे लोग भी मेरे साथ यहां थे, आज ना जाने कहां पास ही कलकत्ते से कोई नाटक कंपनी आई है, वहीं वे लोग नाटक देखने के लिए चले गए हैं। मैं जल्दी मर नहीं रहा हूं, यह देखकर सभी मुझ पर बुरी तरह नाराज हैं। कहते हैं सोचा था बुढ़ा जल्दी चल बसेगा, लेकिन यहां तो गंगा किनारे की हवा खाकर चंगा हुआ जा रहा है, मरने का नाम ही नहीं ले रहा, पता नहीं मेरे भाग्य में क्या लिखा है, न जाने क्या होगा। एक बार गंगा यात्री बन जाने पर सुना है घर वापस नहीं जाना चाहिए। राजू ने कहा, कौन कहता है कि घर वापस नहीं जाना चाहिए? आपको देखने से यह नहीं लगता कि आप मरने वाले हैं? अभी तो आप काफी स्वस्थ हैं, आपका मकान कहाँ है? चलिए घर लौट चलिए, हम लोग आपको ले जाएंगे, वरना घर वापस नहीं जाना चाहिए कहकर जो लोग आपको यहाँ ले आए हैं, शायद वे ही आपका गला दबा देंगे। वृद्ध ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो बेटा, कई दिन से यही बात कहकर वे लोग मुझे डरा रहे हैं, पता नहीं कब गला दबा दें। राजू ने कहा, खैर कोई हर्ज नहीं, हम लोग अपना काम निपटा लें, इसके बाद अपने साथ ले चलेंगे। आज की रात आप मेरे यहां रहिएगा, कल सुबह आपको छोड़ आएंगे। तारापद के मृत लड़के को हमने जमीन में दफना दिया। इसके बाद राजू गंगा में गोता लगाकर वापस आया और मुझसे कहा, तू यह सब कपड़ा बिछोना उठा ले, जाते समय जैसे गया था आते समय भी उसी तरह आया। राजू वृद्ध को पीठ पर लादे चल रहा था और उसके पीछे पीछे मैं कथरी चादर लादे चल रहा था। मामा के घर के पास आने पर देखा नाटक अभी समाप्त नहीं हुआ है।
हमारी आज की कहानी में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होंगी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए द कहानी बाज़।